हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकल की दुनिया में। बहुत बहुत वेलकम है आपका। मैं सेल्फ गुलजार, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फिट होंगे और आपको हमारी वीडियो से अच्छी चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इटिजोलाम टैबलेट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। 0.5 mg की टैबलेट, इसके हम साइड इफ़ेक्ट, यूजर्स, वर्किंग और वार्निंग के बारे में और डोजेस के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि इटिजोलाम टैबलेट का यूज़ क्या होता है और उसको कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो के बारे में हम बताते हैं कि इटिजोलाम टैबलेट का यूज़ क्या होता है। फ्रेंड्स, इटिजोलाम टैबलेट जो होती है वो एंजाइटी में और डिप्रेशन में और पैनिक अटैक, इन सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको बहुत बेचैनी होती है, आपको टेंशन ज़्यादा होती है और इंसोमनिया में भी यूज़ किया जाता है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आपका ब्रेन बिल्कुल भी खाली नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेस्ड हो जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हमें नर्वसनेस फील होती है, हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आते हैं। तो जो इटिजोलाम टैबलेट का यूज़ करके हमें इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, हम इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका प्राइस होता है जो कि 45 rupees की अवेलेबल स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, बट ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिल सकती है। ये शेड्यूल एज की ड्रग होती है जो कि प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती है। तो अगर आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे प्रिस्क्राइब करा के ही इस मेडिसिन का आप यूज़ कर सकते हैं। इटिजोलाम टैबलेट होती है वो फिल्म कोटेड टैबलेट होती है, जिसका यूज़ एक दिन में एक बार किया जाता है। ये डोज होती है और इसको आप खाना खाने के बाद इसको नाइट में आप ले सकते हैं और इससे नींद भी अच्छी आती है। हम इसके वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं कि ये वर्क टैबलेट जो है ये वर्क कैसे करती है। हमारे ब्रेन में जो केमिकल मैसेंजर गाबा होता है वो उसके एक्शन मोड ऑफ एक्शन को हाई कर देता है, जिससे कि हमारा जो हम डिप्रेस्ड होते हैं, पैनिक अटैक होता है, हमें प्रॉब्लम होती है, टेंशन होती है, वो मोड ऑफ एक्शन को बढ़ा के इन सारी चीज़ों को डिक्रीज कर देता है, जिससे कि हमारा माइंड बहुत ही, हमारा जो ब्रेन होता है वो क्लैम हो जाता है, शांत हो जाता है, जिससे कि हमें बहुत ही जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी कुछ वार्निंग है, जैसे कि छोटे बच्चों को बिल्कुल भी इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो भी आपको इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। अगर आप नाइट में ड्राइविंग करते हैं या ऐसे भी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो ड्राइविंग के वक्त भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कोई भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग है, अगर कोई भी मदर प्रेग्नेंट है या बच्चे को दूध पिलाती है तो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी डिजीज़ है, जैसे कि किडनी और लीवर और हार्ट की प्रॉब्लम है, तो एक बार अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही इस मेडिसिन का यूज़ कीजिए। हम कंट्रा इंडिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि कौन सी मेडिसिन के साथ इस ड्रग को हमें नहीं लेना है। सप्राइड हो गई, मॉर्फिन हो गई, अल्प्राजोलाम हो गई और क्लोनाफिट हो गई, क्लोनाजीपाम, लोकार्डिमाइड हो गई, सिट्रिजीन हो गई, लिवोसिट्रिजीन हो गई और मॉर्टिलोकास्ट हो गई। तो इन सारी मेडिसिन के साथ आप इटिजोलाम टैबलेट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो हेडेक होता है, हमारा बीपी लो हो सकता है, मसल कंट्रैक्शन में, मसल्स में पेन हो सकता है, हमारा टमी अपसेट हो सकता है और हमें बुरे बुरे ख्यालात भी आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अल्टरनेट लिबिडो होता है, जिससे कि हमारा जो माइंड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट कामों में लगता है लेकिन वो हमें काम करने का मन नहीं करता है, तो सोचने की थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, घबराहट भी होती है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फ्रेंड्स, हम ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इटिजोलाम टैबलेट के काफ़ी ब्रांड होते हैं तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इटिजोला हो गया, हमारा इटिलाम हो गया, 0.5 mg, ये सारे काफ़ी ब्रांड अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो आपको इजली ये मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी। कहता हूँ फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरे तक ज़रूर शेयर करिए ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए और अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।